हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च। हमें देखना कि मार्च के बाद हमारा कौन सा मंथ आता है। देखो पहले हमारा क्या आता है, जनवरी आता है, फिर हमारा फरवरी आता है, फिर मार्च आता है, और मार्च के बाद हमारा क्या आता है, अप्रैल आता है। तो ये तो कह रहे हैं विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, तो क्या आएगा आंसर में, आंसर में हमारा आ जाएगा अप्रैल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अप्रैल। ओके, विच मंथ कम आफ्टर जून। अब जून के बाद क्या आता है, जून के बाद देखो अप्रैल, मई होता, जून होता, और जून के बाद क्या आता होता हमारा, जुलाई आता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जुलाई। जून के बाद हमारा क्या आता, जुलाई आता है। ओके, अब कह रहा है विच मंथ कम आफ्टर सितंबर। अब सितंबर के बाद देखो जुलाई, फिर हमारा अगस्त आता है, फिर हमारा सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है। तो सितंबर के बाद हमारा क्या आता है, अक्टूबर आता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अक्टूबर, अक्टूबर हो जाएगा। ओके, विच मंथ कम बिफोर फरवरी। अब फरवरी से पहले क्या आता है, भाई जनवरी आता हमारा। अगर आप देखेंगे जनवरी फरवरी, तो जनवरी फरवरी, तो फरवरी से पहले क्या, जनवरी। कितना आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा। ओके, ऐसे विच मंथ कम बिफोर दिसंबर। अब दिसंबर से पहले क्या आता भाई, दिसंबर से पहले हमारा आता नवंबर। क्या आता, नवंबर। ओके, ये आंसर हमारा। ऐसे विच मंथ कम बिफोर अक्टूबर, अक्टूबर से पहले हमारा क्या आता, अक्टूबर से पहले क्या आता हमारा, सितंबर आता, आता कि नहीं आता, सितंबर अक्टूबर, सितंबर आ जाएगा हमारा अक्टूबर से पहले। ओके, ऐसे बीच मंथ कम इन बिटवीन मई एंड जुलाई। मई और जुलाई के बीच क्या आता, देखो मई जून जुलाई, इसका मतलब क्या आता हमारा, जून आता। क्या आता हमारा, जून। बीच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, और ईयर का लास्ट मंथ क्या होता भाई, दिसंबर होता हमारा, दिसंबर। ओके, तो इस ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं।